दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल ओल्टेक ट्रैक में। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, ये है मेरे पास वन प्लस का बुलेट्स वायरलेस जेड ब्लूटूथ हेडफोन, और ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया है। दोस्तों, ये एक भाई का ब्लूटूथ हेडफोन है जिन्होंने किसी रिपेयरिंग की शॉप पर इसे रिपेयर करने के लिए भेजा था, बट ये वहाँ पर रिपेयर हुआ नहीं है और उनने यहाँ से इसे ओपन कर दिया है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। पहले तो आप देख सकते हैं कि अभी ये जो ब्लूटूथ हेडफोन है, इसे ऑन करने पर ये ऑन नहीं हो रहा है। वैसे तो ये जो पावर बटन है इससे ऑन नहीं होता। इसमें एक फीचर्स होता है, ये जो मैग्नेट है इसको हम जैसे ही यहाँ पर टच करते हैं तो ये पावर ऑफ हो जाता है, और यहाँ पर एक रेड लाइट ऑन हो जाती है पावर ऑफ करने पर, और जैसे ही इसको हटाते हैं तो यहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल इसमें कोई भी लाइट यहाँ पर ब्लिंक नहीं कर रही है। और इसमें जो मेन फॉल्ट है वो यहाँ से है, आप देख सकते हैं इसका ये जो वायर है ये यहाँ से ब्रेक हो गया है। तो इसको हम कैसे रिपेयर कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो एक साइड का स्पीकर है, प्रॉब्लम यहीं से आ रही है। और इसका ये वाला जो स्पीकर है ये हम बाद में टेस्ट करेंगे इसको ठीक करने के बाद। तो यहाँ पर पहले इसके जो स्पीकर है इसके वायर डिसोल्ड हम कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको साइड में रखते हैं अभी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो सेंसर है, पहले हमें इसे ओपन करना होगा क्योंकि इसका जो ऑन होने का सिस्टम है वो इसी सेंसर से होता है। तो और वायर ही है यहाँ से, इस साइड से ब्रेक है। तो चलिए पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं, इसका ये जो सेंसर है। और दोस्तों, इस सेंसर को ओपन करने के लिए हमें इसे थोड़ा सा पेट्रोल से क्लीन करेंगे अंदर से, क्योंकि इसमें ग्लू लगी होती है जो कि आसानी से नहीं निकलती, इसलिए हम इसको थोड़ा पेट्रोल में भिगा लेते हैं। इसके बाद ही ये जो ग्लू है ये यहाँ से रिमूव होगी। यदि आपके पास हॉट गन है तो हॉट गन से भी आप इसको थोड़ा हीट करके ईजिली बाहर निकाल सकते हैं। फिलहाल हमारे पास कोई भी हॉट गन नहीं है, तो इसलिए हम इसको पेट्रोल की हेल्प से ही निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं, आप जो ग्लू है वो यहाँ पर मेल्ट हो गई है, ये आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा और इसे को ठीक से करके ये आप देख सकते हैं जो ग्लू है वो यहाँ से निकलने लगी है। तो इसको पूरा मैं क्लीन करके और इसका जो सेंसर है पहले से ओपन करूँगा बाहर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर का जो कैप था वो मैंने ओपन कर लिया है, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। और अब दोस्तों, इसका ये जो सेंसर है ये यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको हमें पुश करके बाहर की साइड निकालना होगा कुछ इस टाइप। इसका जो वायर है वो कुछ इस टाइप से बाहर निकल जाएगा, जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले ये आप देख सकते हैं जो वायर है वो यहाँ से बाहर आ गया है। और अब इसका ये जो सेंसर है, इस सेंसर को भी हमें बाहर निकालना है पहले, क्योंकि इस सेंसर के जो वायर हैं ये हमको लगाने होंगे। और दोस्तों, अब इसका जो सेंसर है वो हम बाहर निकाल देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें ये जो ग्रिप है, इस ग्रिप को पुश करना है दोनों साइड से। इस ग्रिप को पुश करने के बाद ये जो सेंसर है आप देख सकते हैं ये बाहर आ जाएगा कुछ इस टाइप से। तो ये हमने बाहर कर लिया है, और इसकी जो ग्लू है ये भी थोड़ी क्लीन करेंगे हम। अब जो वायर हैं ये हमको क्लियरली यहाँ पर दिख रहे हैं कि कौन सा वायर कहाँ पर लगेगा। तो पहले इसको हम अच्छे से क्लीन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और पहले दोस्तों, इसके जो वायर हैं ये वायर मैं ठीक से कर लेता हूँ। पहले यहाँ से आप देख सकते हैं ये वायर यहाँ से कट रहे हैं, तो पहले इनको ठीक कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं इसका जो वायर है ये पूरा ही कट कर देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये वायर मैंने कट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इसका ये वाला वायर है ये मैंने अलग कर लिया है। पहले मैं इसके वायर को निकाल लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके जो वायर हैं वो। और अब हमें ये वाले वायर भी यहाँ से निकालने होंगे ताकि इसका हम ये वाला जो वायर है ये इसके अंदर डाल सकें। तो इसमें एक पिन लगी होती है, तो पहले इस पिन को मैं बाहर निकालूंगा। यहाँ एक पिन लगी होती है दोस्तों,
तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि इसमें एक पिन लगी होती है, तो इस पिन को पहले हम बाहर निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वो पिन है और इसको हम अब साइड में रखते हैं इस पिन को। अब यहाँ से इसका जो होल है वो ठीक कर लेते हैं ताकि जो वायर है वो इसमें अंदर जा सके। तो यहाँ पर मैंने इस पिन को यहाँ पर क्लीन कर लिया है। अब चलिए इसमें पहले ये जो वायर है ये वायर को डाल देते हैं हम इस टाइप से। और अब इस कैप के अंदर इस वायर को हम डाल देते हैं। ये इसके अंदर आ चुका है। और पहले अब इस पर इस सेंसर को पहले देख लेते हैं हम कि कौन सा वायर कहाँ लगेगा। तो आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर बैटरी का प्लस वायर लगेगा, ये इसमें पहले से लगा हुआ है। और यहाँ पर ये बीच में ब्लैक वायर है तो ये बैटरी का माइनस है। और ये एच लिखा है यानी कि ये सेंसर का वायर है। तो इन तीनों वायर को हमें पहले सोल्डरिंग करना होगा अच्छे से और इसके बाद फिर हम इसकी जो फिटिंग है वो करेंगे। तो दोस्तों इन वायर को सोल्डरिंग करने से पहले हम ये वाली जो पिन थी हमने निकाली हुई थी, इस पिन को हम वापस इसी में लगाएंगे ताकि जो वायर है वो खींचने पर निकले नहीं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पिन को लगा दिया है मैंने। और चलिए अब इसको थोड़ा सा टाइट कर देते हैं यहाँ से, ये आप देख पा रहे होंगे। जैसा कि तो यहाँ पर जो पिन है ये भी लग गई है। चलिए अब इसको वापस हम इसी में डाल देते हैं पिन को, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पिन थी वो मैंने लगा दी है। अब इन वायर को सोल्डरिंग करने से पहले दोस्तों ये जो वायर हैं इन वायर के ऊपर हमें सोल्डरिंग लगाना होगा ताकि ये जो वायर हैं ये ठीक से उस सेंसर पर लग सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप से पहले वायर के ऊपर सोल्डरिंग लगाएंगे हम। क्योंकि इसमें सेंसर वाला पार्ट ख़राब हुआ है इसलिए इसमें 5 वायर दिए हुए हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं जो वायर इन पर सोल्डरिंग लगा लिया है। अब ये सोल्डरिंग करने के लिए जो वायर हैं वो एकदम रेडी हैं। तो यहाँ पर जो वायर है ये मैं थोड़ा ठीक से कर लेता हूँ ताकि हम सोल्डरिंग करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो ये हमने ठीक से कर लिए हैं अब इसके वायर। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इसके बाहर कौन कौन से वायर निकालना है सेंसर के बाहर। एक हमें गोल्डन, ब्लैक और रेड वायर पहले बाहर निकालना है। तो ये रहा हमारा ब्लैक, गोल्डन, रेड। और इसमें ये जो ग्रीन और ब्लू हैं ये वाले स्पीकर के वायर हैं, तो इनसे हमें फ़िलहाल अभी कोई मतलब है नहीं क्योंकि ये हम स्पीकर के ऊपर लगाएंगे जब इसकी फिटिंग करेंगे तब। तो ये वायर मैं पहले बाहर निकाल देता हूँ यहाँ से। तो चलिए दोस्तों अब जो वायर हैं ये हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो ब्लैक वायर है, ये ब्लैक वायर, इस ब्लैक वायर को हम सेंसर के माइनस वाले पॉइंट पर सोल्डरिंग करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों जो तीनों वायर थे वो मैंने सोल्डरिंग कर दिए हैं। आप देख सकते हैं प्लस एच पर गोल्डन वायर लगा है और माइनस पर ब्लैक और रेड पर प्लस वाला वायर हमने सोल्डरिंग कर लिया है। अब ये जो सेंसर है इस सेंसर को मैं पहले फिट कर देता हूँ और इसके जो वायर हैं ये मैं थोड़ा अंदर कर देता हूँ ताकि जो सेंसर है वो आसानी से फिट हो सके। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर इसका ये जो कैप है वापस इस कैप को हम यहीं पर लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो कैप था ये भी कैप मैंने लगा दिया है इसमें और इसकी जो वायरिंग है वो हम इसी के अंदर कर देते हैं ताकि ये निकले नहीं सेंसर की जो वायरिंग है। तो दोस्तों कैप भी मैंने लगा दिया है। अब बचे इसके जी ये जो स्पीकर के वायर हैं ये भी हम सोल्डरिंग कर लेते हैं पहले।
तो यहाँ पर दोस्तों दोनों वायर सोल्डरिंग हो गए हैं स्पीकर के। अब चलिए इसका जो कैप है ये वापस हम फिट कर देते हैं पहले। तो इसका जो कैप है ये मैंने लगा दिया है, आप देख पा रहे होंगे जैसा कि। इसको पहले हम ठीक से फिट करेंगे, इसके रबर को निकाल देते हैं हम। तो इंस्टेंट ग्लू भी लगा दी है और दोस्तों ये यहाँ से थोड़ा सा डैमेज भी हो रहा है यदि आपको दिखाई दे। तो इस पर हम थोड़ा सा सोल्डरिंग आयरन से इसको ठीक कर देते हैं ताकि इसका जो डैमेजिंग पार्ट है वो ठीक हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो रबर है ये हम वापस फिट कर देते हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये रबर हमने वापस लगा दिया है। अब दोस्तों इसको ऑन करके देखेंगे हम, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे अभी इसमें कोई भी लाइट यहाँ पर ब्लिंक नहीं कर रही है। मैं आपको ठीक से दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है और इसका पावर ऑन करने की जो बटन है इसको दबा के रखता हूँ तब भी कोई लाइट ऑन नहीं हो रही है, क्योंकि दोस्तों इसका जो ऑन होने का सिस्टम है वो सेंसर से ही होता है। तो चलिए इसको एक्टिवेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको टच करता हूँ सेंसर को, तो ये मैंने टच कर दिया, अभी भी कुछ नहीं हुआ। अब दोस्तों इसको हटाते हैं हम, तो ये आप देख सकते हैं जो लाइट है वो यहाँ पर ऑन हो चुकी है, यानी कि हमारे जो ब्लूटूथ हेडफोन है वो अब यहाँ पर ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं जो वाइट LED है वो यहाँ पर ब्लिंक कर रही है। तो चलिए इसको ब्लिंक करने देते हैं हम, जो लाइट है वो आप देख सकते हैं। अब मैं इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको सर्च कर लेता हूँ पहले इसका जो नाम है, तो आप देख सकते हैं आपके सामने बिल्कुल लाइव प्रूफ करके मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z ब्लूटूथ हेडफोन यहाँ पर आ चुका है। चलिए इसको कनेक्ट करेंगे हम पहले, कनेक्टिंग हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं कनेक्टेड हो चुका है और यहाँ पर जो लोगो है मेरा ब्लूटूथ हेडफोन का ये यहाँ पर बना आ गया है और अब जो लाइट है वो यहाँ पर ब्लिंक करना बंद कर दिया है। अब चलिए कोई एक सॉन्ग प्ले करके इसका जो ऑडियो है वो चेक करते हैं कि दोनों स्पीकर वर्क कर रहे हैं या नहीं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अब इसका ऑडियो चेक कर लेते हैं कि ये जो ब्लूटूथ हेडफोन है अब इसके जो दोनों स्पीकर हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि रिपेयरिंग के बाद ही हम इसकी जो टेस्टिंग है वो कर पाएंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो जो मेरा माइक है वो मैंने अपने ब्लूटूथ हेडफोन के पास कर लिया है। चलिए अब जो सॉन्ग है वो हम यहाँ पर प्ले कर लेते हैं पहले। तो जो ऑडियो है वो दोस्तों आने लगा है, फ़ोन को मैं साइड में रखता हूँ। पहले इसका ये वाला जो स्पीकर है इसको टेस्ट करते हैं हम। तो इसमें जो ऑडियो है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये वाला जो स्पीकर है जो कि ठीक था ये वर्क कर रहा है। चलिए अब जो हमारा डैमेज वाला जो स्पीकर था ये आप देख सकते हैं जिसमें सेंसर लगा हुआ था, अब इसको चेक करते हैं। तो ये जो स्पीकर है ये भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है। जो हमारा ब्लूटूथ नेकबैंड है वो काफ़ी अच्छे से अब वर्क करने लगा है, जो कि पहले बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था। और अब मैं इसका जो पावर है वो भी ऑफ़ करके आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड है मेरे फ़ोन से और इसमें जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, साथ में इसका जो ऑडियो है वो भी आ रहा है। तो अब इसका पावर ऑफ करते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं जो रेड लाइट है वो ब्लिंक हो गई है और यहाँ से जो ब्लूटूथ हेडफोन है वो भी डिसकनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये जो वन प्लस बुलेट्स वायरलेस Z ब्लूटूथ हेडफोन था ये हमने आसानी से रिपेयर कर लिया है। तो यदि आपके ब्लूटूथ हेडफोन में भी कभी इस टाइप के प्रॉब्लम आए तो आप मेरे बताए हुए इस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। मोस्टली जो पावर ऑन नहीं होने की जो प्रॉब्लम आती है वो इसी सेंसर से आती है, इसमें जो सेंसर लगा होता है यदि वो उसका वायर कहीं से ब्रेक हो जाता है तो वो वर्क नहीं करता और ये ब्लूटूथ है ऑन नहीं होता। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी।
यदि चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।